boltikahani.com पर आज आप सुनेंगे कहानी प्रतीक्षा के वो 45 मिनट। कुछ दिन पहले किसी आवश्यक कार्यवश मुझे जयपुर से दिल्ली जाना था। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि गाड़ी निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से चल रही थी। घर लौटने के बजाय वहां प्रतीक्षा करना मुझे अच्छा विकल्प लगा। कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन हमारे देश का एक सूक्ष्म रूप होता है। हर प्रकार के लोग और वेशभूषा यहाँ देखने को मिल जाती है। मैंने इसी बात की सत्यता को जांचने का निश्चय किया। बेंच पर बैठी मैं आसपास की भीड़ को देख रही थी, तभी मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। वह अपने पिता के साथ एक दुकान से महंगी आइसक्रीम खरीद रहा था। उसे खुश देखकर मैं भी खुशी अनुभव कर रही थी, लेकिन अचानक मैंने देखा कि वहीं पास रखे कूड़ेदान से सटकर एक बच्चा खड़ा था। बड़े ही तृष्णापूर्ण दृष्टि से वह उस खरीदारी कर रहे बालक को देख रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आइसक्रीम खा रहे उस बच्चे ने आधी खाई हुई वह आइसक्रीम कूड़ेदान में डाल दी और कूड़ेदान के पास खड़ा वह बच्चा उसे उठाकर खिलखिलाता हुआ वहां से भाग गया। उसकी खुशी से ये जाहिर हो रहा था कि इतनी महंगी आइसक्रीम उसने कभी नहीं खाई थी। तब मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि उस बच्चे की खुशी में खुश हूँ या उसकी इस हालत से दुखी। फिर मैंने देखा कि पास ही के एक बेंच में एक वृद्ध महिला बैठी थी और शायद किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी एक व्यक्ति उनके पास आकर उनसे उनका और उनके पुत्र का नाम पूछता है। वह महिला उसे बताती है कि उनका पुत्र होटल देखने गया है। वो व्यक्ति उन्हें बताता है कि उनका पुत्र उन्हें एक वृद्धाश्रम में भर्ती करके वापस जा चुका है और वो व्यक्ति उन्हें वहीं से लेने आया था। ये सुनकर वो वृद्ध रोने लगी और उस व्यक्ति ने सांत्वना देते हुए कहा कि माँ, आप चिंता ना करें, मैं हूं ना। ये सुनकर उस वृद्ध महिला के चेहरे पर एक संतोष का भाव सा दिखा। मैं फिर से ये समझने में असमर्थ थी कि उनके इस भाव में मैं आश्वस्त हूं या उनकी स्थिति के लिए चिंतित। तभी सूचना प्रसारित हुई कि जयपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आ रही है। मैं उठकर जाने ही लगी थी कि पीछे से एक वृद्ध कुली ने आवाज देकर पूछा कि क्या मुझे सामान उठाने के लिए कुली चाहिए। कोई भारी सामान ना होते हुए भी मैंने हाँ कर दी और वो मेरा छोटा सा बैग उठाकर मेरे पीछे पीछे चल दिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका बेटा बहुत पढ़ लिख कर मुंबई में नौकरी करता है और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता है। कई वर्ष हो गए उसे घर आए या कोई पैसा भेजे। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने उन्हें 100 रुपए का नोट दिया। जब वो बाकी पैसे लौटाने लगे तो मैंने मना कर दिया। तब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी जल्द घर लौट जाना, माता पिता प्रतीक्षा करते होंगे। ट्रेन चल पड़ी और प्रतीक्षा के वो 45 मिनट मेरे हृदय में कुछ प्रश्न छोड़ गए जो आज भी जीवित हैं। मैं सोचती हूँ क्या उन प्रश्नों का उत्तर मुझे कभी मिलेगा। boltikahani.com पर आज आपने सुनी कहानी प्रतीक्षा के वो 45 मिनट।